यार चलिए, यहाँ रहने से ही मतलब अफसोस आता है कि साला इतना मेहनत किए और बर्बाद हो गया। यहाँ रहने से अफसोस आता है, हाँ, दुख यहाँ मन देखते जाता हैं है। ना तो रोने का मन करने लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा दोस्तों। कोई भी दोस्तों इतना मेहनत करके काम करेगा और ये सब हो जाएगा तो किसी को भी दुख लगेगा, चाहे हम रहे या तो फिर आप लोग रहे दोस्तों। और आप लोग भी इतना ज़्यादा मेहनत कोई भी चीज़ में किए रहते और सारा का सारा अगर आप लोग को 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता तो कितना ख़राब लगता। हेलो दोस्तों, दोस्तों नमस्ते, नमस्ते, कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग? लोग? उम्मीद उम्मीद करते करते हैं हैं कि कि आप आप लोग लोग अच्छे अच्छा होंगे। होंगे। सुबह तो दोस्तों अभी सुबह का का 6 बज बज रहा रहा है है और और मेरे मेरे परिवार परिवार की की ओर ओर से से आप सभी को प्यार भरा गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और देख सकते हैं दोस्तों इधर सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखिए आंगन भी एकदम पूरा भींग गया है, देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं कि सुबह सुबह हम लोग का घर में क्या बना है। सो देखिए इधर मम्मी बना रही है कि बन गया है, हाँ, बन गया है। अब देखिए उतार देंगे देखिए बन गया है। और आलू और टमाटर आग का भी मम्मी सब्जी। अभी जोड़ना बंद कर दिए, मतलब हाँ, जलाना बंद कर दिए क्योंकि दबाव हम हम लोग का। बना लिए हैं, हाँ, और बारिश की इधर वजह से देखिए इसमें मार भाग हो रहे हैं। देखिए हम लोग का बारिश के मौसम में हम लोग का मार भात आज बना हुआ है, देख सकते हैं। क्या करेंगे, तो मार भात नहीं बनाएंगे तो और अगर कुछ। हम लोग मार भात नहीं बनाएंगे ना दोस्तों तो हम लोग का खाना पूर्व नहीं घर का है, एक टाइम होता है और दूसरा टाइम खाने के लिए खत्म। इसलिए हम लोग मार भात तो सर्दी रहे, खाएंगे। गर्मी रहे, बरसात रहे या कुछ भी रहे, हम लोग मार भात ही अधिकतर करते हैं। और अगर कोई मेहमान वेहमान आ जाते हैं तो उस समय कर लेते हैं सूखा भात। तो चलिए अभी चलते हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर में दोस्तों हम लोग का राहर रखा हुआ है तो उसी को अभी ढकना है का, ढक देंगे दोस्तों। देखिए अंजलि अभी पीछे से लेकर के आएगी प्लास्टिक को, चलिए आप लोग को अभी दिखाते हैं ऊपर में। और देखिए इधर बकरी सबको टाँड तरफ नहीं ले गए क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है ना, तो जानवे करते हैं बारिश में बकरी सब नहीं चरती है, इसीलिए यहाँ पर देखिए राहर का सूखा पत्ता दे दिए हैं, ये सबको भूसा टाइप का भी खा खा के है। और देख सकते हैं हम लोग का बकरी रखने का रूम किस तरह से है, सो जिसको हम लोग गोहाल बोलते हैं गाँव देहात में। तो देखिए अंजलि अभी पीछे से लेकर के आएगी प्लास्टिक को, और अभी चलिए हम चलते हैं छत के ऊपर। देखिए ये रहा हम लोग का छत, और देखिए इधर राहर रखा हुआ है और इधर सरसों भी रखा हुआ है, तो सरसों को नहीं ढकेंगे, अगर प्लास्टिक बचेगा तो ढक देंगे, लेकिन इसको ढकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको पहले एक जगह जमा कर लेते हैं का, हाँ। उठा उठा के इधर कर देते हैं, अच्छा से रखिए, अच्छा से इधर रख देते हैं, देखिए एक जगह रखो। चलिए इसको भी उठाते हैं, जमा कर दो, अच्छा से गिरना नहीं चाहिए। और इधर भी प्लास्टिक है दोस्तों हम लोग का, तो अभी दोनों प्लास्टिक मिला करके और ऊपर में ढक देंगे। चलिए पहले ये जो हम लोग का छोटा सा बोरी है इसको दे लेते हैं, नहीं इसको बाद में देंगे, चलिए ये सबको अभी ढकना शुरू करते हैं। चलिए देखिए मम्मी उधर पकड़ी हुई है एक प्लास्टिक को, और अभी इधर एक दो ईंट दे देते हैं ताकि हवा आएगा तो नहीं उड़ेगा। देखिए इधर हो गया है, अब इधर साइड साइड में बाकी है, तो चलिए ये सब इधर कर देते हैं। हम लोग राहर को ढक दिए, अब चलिए इस तरह से दे देते हैं, प्लास्टिक नहीं उड़ेगा इसलिए। चलिए और दो ठो है ये सबको भी दे देते हैं। हम लोग पूरा अच्छे से राहर को ढक दिए, अब चलिए सरसों को नहीं ढकेंगे, अभी हम लोग मचान को ढकेंगे, उधर जो हम लोग पुआल चढ़ाए हुए हैं। चलिए यहाँ से गिरा देते हैं प्लास्टिक को, अब चलिए मचान चलते हैं और पुआल को पूरा ढक देंगे। हम मचान के ऊपर आ गए, अब चलिए पुआल को ढक देते हैं प्लास्टिक से। एकदम पूरा चारों तरफ अच्छा से फैला देंगे ताकि पुआल के अंदर पानी नहीं जाएगा, अगर पुआल में पानी पड़ जाएगा ना तो फिर हम लोग का पुआल खराब हो जाएगा, बैल सबका खाने के लिए चारा भी बर्बाद हो जाएगा। चलिए हम अच्छे से ढक दिए हैं, अब देखिए इधर हम लोग का है लकड़ी, ये सबको दे देंगे, प्लास्टिक नहीं इधर उधर होगा। लकड़ी को
लगा देते हैं। हम अच्छे से लकड़ी को भी बांध दिए हैं, अब प्लास्टिक इधर उधर नहीं होगा और हम लोग का पुआल भी एकदम पूरा अच्छा से बच जाएगा। चलिए अभी उतरते हैं, देखिए इधर सीढ़ी है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं ईंट को देखने के लिए। रात में जो बारिश हुआ था उसमें हम लोग का ईंट बर्बाद हुआ कि अच्छा है सो, तो चलिए अभी ईंटा भाटा चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं ईंटा भाटा, हम लोग यहीं पर दोस्तों मजदूर करते हैं। देखिए इधर का ईंटा एकदम पूरा ढका हुआ है, इधर का ईंटा उतना नहीं भींगा हुआ है दोस्तों। देखिए एक दो ठो ये सब में भींगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, फिर भी उतना अच्छा से भींगा नहीं है। इन लोग का ईंटा एकदम इधर वाला पूरा बांच गया है और हम लोग का ईंटा दोस्तों ये वाला से ऊपर है। तो चलिए अभी उधर जा करके देखते हैं। और पापा पहले आ गए हैं दोस्तों, एकदम पूरा सुबह ही देख सकते हैं। और देखिए हम लोग का ईंटा एकदम पूरा बर्बाद हो गया, देख सकते हैं कितना मेहनत से बनाए हुए थे, लेकिन देखिए एकदम पूरा का पूरा किस तरह से हो गया सो एकदम। देखिए नंबर उम्बर पूरा मिट गया। देखिए दोस्तों हम लोग कितना मेहनत से बनाए हुए थे का पापा, हाँ बहुत मेहनत किए थे हम पूरा मिट्टी को काट काट करके। और आप लोग को तो वीडियो में दिखाए थे दोस्तों कि कितना हम लोग मेहनत किए थे। तो देखिए पैर से पूरा मिलाए थे, कोदाल से मिलाए थे, ईंट को बनाए थे, लेकिन चलो पानी बरसा में इतना मतलब खराब हो गया। देखिए एकदम पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। देखिए ये सब अब उठेगा भी नहीं, देखिए एकदम पूरा गीला हो गया है, एकदम पूरा भींग करके एकदम पूरा गीला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों मालिक अगर इसको पसंद करेगा तो फिर मालिक ले लेंगे, नहीं तो फिर दोस्तों हम लोग का सारा मेहनत एकदम पूरा बर्बाद एकदम पूरा चला गया दोस्तों। हम लोग इतना देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 दिन का पूरा मेहनत था, 3 दिन दोस्तों हम लोग एकदम पूरा फालतू खटे। 1 दिन का तो इधर बच गया है, देखिए इतना सा ढके है ना तो प्लास्टिक से उधर 1 दिन का हम लोग का बच गया, लेकिन इधर 2 दिन का एकदम पूरा बेकार मेहनत चल गया दोस्तों। देख सकते हैं एकदम कितना मेहनत किए थे आप लोग तो वीडियो में देखबे किए थे दोस्तों। और जानबे करते हैं दोस्तों कि हम लोग गांव देहात के लोग कितना मेहनत करते हैं सो पैसों के लिए, लेकिन देखिए एकदम पूरा ऊपर से बारिश हो गया और रात भर में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में हम लोग का 2 दिन का एकदम पूरा मेहनत चौपट एकदम पूरा ख़त्म हो गया। अगर मालिक अगर ले लेंगे तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग का फिर वही खत्म हो गया हम लोग का मेहनत का पापा। हाँ 2 दिन का मेहनत फालतू चल गया, 2 दिन का मेहनत एकदम पूरा फालतू। देखिए नहीं लग रहा है कि ले लेंगे का, नहीं लगा ऐसा लग रहा है, नहीं लगा। फिर हम लोग को ही फिर मेहनत करके एक एक उठा उठा के और साइड में फिर फेंकना पड़ेगा। मालिक भी इसको अभी उठा के नहीं फेंकेंगे, हम लोग बनाइए हम लोग इतना मेहनत किए और बारिश आया बर्बाद हो गया, अब हम लोग को ही ये सब फेंकना पड़ेगा दोस्तों। जानने करते हैं दोस्तों कि गांव के लोग कितना मेहनत करते हैं सो, हम और पापा इतना मेहनत करके बनाए हुए थे इतना सारा ईंटा 3 दिन में और 1 दिन का एकदम बच गया और 2 दिन का जो 2 दिन का था एकदम पूरा ख़त्म हो गया। देखिए एक भी अच्छा नहीं दिखा एकदम पूरा, अगर अभी तो यहाँ देखिए ना अभी पानी भी यहाँ भर, हाँ देखिए ईंट सब में एकदम पूरा पानी एकदम पूरा भर ले है। देखिए एकदम पूरा इधर से एकदम उधर वाले सब बच गया है, क्योंकि दोस्तों वो मालिक लगाया हुआ था, वो मालिक का ईंटा था, वो मालिक का अपना बचा लिया, अपना बचा लिया दोस्तों। जब तक जमीन में रहेगा ना तब तक हम लोग का रहता है, और हम लोग उस तरफ से वोट लगा देते हैं ना तो मालिक का हो जाता है, मालिक का हो जाता है। तो हम लोग का ईंटा उतना अच्छा से सूखा नहीं था, थोड़ा भींगा हुआ था, 2-3 दिन हो गए किया था, अच्छा से धूप भी नहीं होता है। जानबे करते हैं दोस्तों ठंडा का सीजन में उतना अच्छा से सूखा नहीं था, हम लोग सोचे कि और 2-4 दिन रहेगा और सूखेगा और वोट लगा देंगे, लेकिन 2-4 दिन सूखने के लिए छोड़ दिए और ये सब घटना हम लोग के साथ हो गया। सबके इतना इतना मेहनत हम लोग का सबके सब एकदम पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों। नहीं लेगा मालिक का, नहीं लेगा। देखिए एकदम पूरा वहाँ से लेकर के एकदम पूरा यहाँ तक हम लोग का लगभग लगभग यहाँ कितना जानते हैं ना, हम लोग का यहाँ कितना होगा 1200 का हम लोग का नुकसान हो गया दोस्तों। लगभग लगभग 1000 का हम लोग का नुकसान हो गया, जो हम लोग का 2 दिन का मेहनत था दोस्तों। एकदम पूरा सुबह ही 6 बजे आते थे और 6 बजे फिर शाम को जाते थे दोस्तों, यानी कि 12 घंटा का मेहनत, 12 दुना 24 घंटा का मेहनत हम लोग का पूरा खत्म 1 घंटा में सिर्फ हो गया। देखिए एकदम पूरा 1200 ईंटा एकदम पूरा बर्बाद हो गया है और उधर 300-400 इतना बचा हुआ है 1 दिन का मेहनत। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ वहाँ हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, यहाँ क्या करेंगे,
क्या करेंगे अब, कुछ बचा ही नहीं है। उठाते भी है तो वहाँ गीला हो गया है। गीला हो गया है, पानी तो देखिए नंबर का ऊपर मतलब पानी भर गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग घर की ओर निकलते हैं का पापा। हाँ चलिए घर चलिए, यहाँ रहने से ही मेला अफसोस आता है कि साला इतना मेहनत किए और बर्बाद हो गया, यहाँ रहने से अफसोस आता है। हाँ यहाँ देखते हैं ना तो रोने का मन करने लगता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत किए और ये सब हो गया दोस्तों, जो होना था वो हो गया दोस्तों। हम लोग अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई आदमी क्या रहता तो कुछ बोल भी सकते थे कि क्यों ऐसा किए सो, लेकिन ये ऊपर वाला दोस्तों क्या ही बोले, बारिश हो गया तो और कुछ कहने का बातें नहीं है। तो चलिए अभी यहाँ से घर की ओर धीरे धीरे निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा दोस्तों। कोई भी दोस्तों इतना मेहनत करके काम करेगा और ये सब हो जाएगा तो किसी को भी दुख लगेगा, चाहे हम रहे या तो फिर आप लोग रहे दोस्तों। और आप लोग भी इतना ज़्यादा मेहनत कोई भी चीज़ में किए रहते और सारा का सारा अगर आप लोग को एक सेकंड में ख़त्म हो जाता तो कितना ख़राब लगता, जान ही सकते हैं दोस्तों कि हम लोग का फीलिंग कैसा होता होगा सो। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं घर, हम घर आ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।